भागलपुर, नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में। नवगछिया में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन दिनांक 16 दिसंबर दिन सोमवार से 22 दिसंबर दिन रविवार तक श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में आयोजित किया जा रहा है। वहीं जिसमें नवगछिया नगरी में अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य, परम पूज्य बालक स्वामी जी, श्री केशवाचार्य जी महाराज वाराणसी के श्रीमुख से उनकी सुमधुर ललितमय सरल वाणी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य श्री गोपाल गौशाला नवगछिया में दिनांक 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सभी को प्राप्त होने जा रहा है। वहीं इस बाबत आयोजन समिति के सदस्य द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें श्री वैभव भागवत समिति एवं भागवत जन के साथ स्थानीय संस्थाओं श्री श्याम भक्त मंडल, सावरिया सरकार, क्ली नौगछिया, ग्री नौगछिया, मारवाड़ युवा मंच सहित कई अन्य संस्था के भक्तगण लगे हुए हैं। नवगछिया अंतिम लीग मैच में नवगछिया की टीम ने रोमांचक जीत के साथ मारी सेमीफाइनल में एंट्री। नवगछिया के बाजार समिति मैदान में चल रहे स्वर्गीय छेदो देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे एवं अंतिम लीग मैच में नवगछिया और कटिहार के बीच मैच खेला गया, जिनमें नवगछिया की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। नवगछिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर कुल 153 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में कटिहार की टीम 17 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 148 रन ही बना पाई और बेहद रोमांचक मैच में नवगछिया ने 5 रनों से मैच में जीत हासिल की। मौके पर आयोजक डॉक्टर रजनी रमन झा ने नवगछिया टीम के सिद्धू को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। कटिहार बनाम नवगछिया का लीग मैच था। नवगछिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए और जीत के लिए कटिहार को 154 रन का लक्ष्य दिया। कटिहार की टीम 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, तो परिणाम इस प्रकार से नवगछिया के पक्ष में रहा। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि कटिहार की टीम जीत जाएगी, लेकिन अचानक ही उसके बल्लेबाज उनका विकेट गिरना शुरू हो गया, पतझड़ प्रारंभ हो गया और बहुत शीघ्र ही उन्होंने आगे के 5 विकेट गंवा दिए। इस तरह से नवगछिया की टीम 5 रनों से जीत गई। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रजनी रमन झा है और यह जो स्वर्गीय छेदो देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, मैं उसका आयोजक। नवगछिया दरोगी सिंह हत्याकांड में टीएन यादव सहित 4 आरोपी दोष मुक्त। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने दरोगी सिंह हत्याकांड में नामजद अभियुक्त नवगछिया थाना क्षेत्र के रसलपुर निवासी टीएन यादव, विजय यादव, पकड़ा निवासी किशोर राय उर्फ बिलिया एवं कमांडो राय को दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा सभी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाने एवं गवाहों के हॉस्टाइल कर जाने के बाद साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। मालूम हो कि वर्ष 2017 में 16 अगस्त को नवगछिया थाना क्षेत्र के 33 माइल के पास देर रात अपराधियों ने भाजपा नेता दरोगी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद टीएन यादव सहित सभी 4 को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। गोपालपुर स्पर निर्माण के 5 वर्ष बाद भी 50 से अधिक किसान मुआवजा के लिए हो रहे परेशान। इस्माइलपुर बिंटोली तटबंध पर बनाए गए एडिशनल स्पर पर रिवेटमेंट कार्य 5 वर्ष पूरे होने के बावजूद 50 से अधिक किसान बाढ़ नियंत्रण कार्यालय नवगछिया में विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के
चक्कर लगा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। मिली जानकारी अनुसार सईदपुर गांव थाना 11 एवं बोचाही डिमहा थाना कांड संख्या 26 के कुल 8.27 एकड़ जमीन किसानों द्वारा आपसी सहमति से कटाव निरोधी कार्य हेतु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया था तथा एडिशनल स्पर व रिवेटमेंट कार्य पूरा भी हो गया। जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक 1533 दिनांक 14/11/2014 के द्वारा अधियाचना प्रस्ताव विशेष भूअर्जन पदाधिकारी भागलपुर को भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण बताकर हाथों हाथ लौटा दिया गया है। पुनः बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया के द्वारा स्थल चयन समिति की बैठक स्थल से सटे भूधारी एवं संबंधित पदाधिकारी के बीच भूअर्जन मुआवजा करने की मांग की गई है। गोपालपुर में मिशन हरियाली के तहत कुओं व तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। गोपालपुर में मिशन हरियाली के तहत कुओं व तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। मिशन हरियाली के तहत गोपालपुर अंचल में 39 कुओं व 134 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन लघु सिंचाई विभाग व कुछ योजनाएं मनरेगा द्वारा किया जाएगा। धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33 73-68-91-47-33 www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात सोना मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9661904817 7979-499-821 नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096-11005 8992-9141-3126। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम वर्ल्ड जिम स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के समीप नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम पूर्णतया वातानुकूलित। महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, मोटापा, हाई लो BP, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम नवगछिया स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929 9031-6969-29 799-224-5510 बैग चॉइस, बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586 8594-85-5586 बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।
नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर, शुद्ध घी खोआ पनीर मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 95071443094 87 79 23 1002। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437 99 34 26 14 37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नौगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नौगछिया। नवगछिया जमीन पर फसल नहीं लगाने देने की मांग को लेकर अनशन पर वृद्ध डिमहा के मुखिया पति अजय चौधरी व अन्य पर जमीन पर फसल नहीं लगने देने का आरोप। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा निवासी मुखिया पति अजय चौधरी पर कथित रूप से 4 एकड़ जमीन पर खेती नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए गांव के ही 73 वर्षीय वृद्ध ब्रजनंदन चौधरी अनुमंडल कार्यालय के सामने अनशन शुरू कर दिया है। वे सुबह 10 बजे अनुमंडल कार्यालय के ठीक सामने अनशन पर बैठ गए थे। दोपहर के बाद उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर उन्हें अनुमंडल परिसर स्थित मैदान के दूसरे छोर पर बैठने को कहा गया। वृद्ध बनाए गए स्थल पर जाकर सुबह 10 बजे से अनवरत बैठे हुए हैं। ब्रजनंदन चौधरी ने बताया कि 2005 में अजय चौधरी के ही समर्थकों ने उनके पुत्र राकेश चौधरी का अपहरण जान मारने की नीयत से कर लिया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विगत 3 वर्षों से उसे अपहरण का केस उठा लेने का दबाव बनाया जा रहा था। जब वे लोग नहीं माने तो उन लोगों ने उनको अपने खेत पर फसल लगाने से रोक दिया। उनकी जमीन खाली है। वृद्ध का कहना है कि पिछले दिनों वरीय पुलिस पदाधिकारियों को आवेदन दिया था और खेत मुक्त करवाने की गुहार लगाई थी, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं हुई। जब वो पूरी तरह से थक हार गए तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से अनशन करने का निर्णय लिया। नौगछिया के SDO मुकेश कुमार ने कहा कि मामला पुलिस का है, पुलिस स्तर से ही इस मामले में कार्रवाई संभव है। नौगछिया के SDPO प्रवेंद्र भारती ने कहा कि उक्त मामले में किसी प्रकार की उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुखिया पति अजय चौधरी ने कहा कि ब्रजनंदन चौधरी की जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है, वो आदतन केस करने वाले व्यक्ति हैं, इसी कारण वे समाज से बहिष्कृत हैं, इस कारण उन्हें जमीन पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, पूरा आरोप निराधार है। वहीं श्री चौधरी ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है, पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मामले की जाँच कर ले, पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। हमको जोतने बोगने नहीं देता है 3-4 साल से अजय चौधरी मुखिया पति चौधरी के अलावा। हाँ, सब इसमें है ये। हाँ। हम क्या बोले, क्या मामला क्या है, सब इसमें प्रलियम आप लोगों को दे देते हैं। बोलिए तो क्या मामला है, मामला क्या आप बताइए ना। रंगदारी से हमको खेती नहीं करने था, उसका बात ई करो करो के कितना खेत है आपका, 4.5 एकड़ 11.5 डिसमिल खेत है, उसको खेती नहीं आती। डिमहा मोजा में कौन नहीं करने दे रहा है, वही सब नाम खोल दीजिए ना, सबका नाम लिखा हुआ। कौन है बताइए ना, जैसे आपको याद तो होगा ना, अजय चौधरी, ललन चौधरी, सोनू चौधरी, अनिल चौधरी, आलोक चौधरी, यही सब खेती नहीं करने दे रहा है। और क्या कारण क्या है, वो कहता है कि अपहरण वाला केस उठा, इसके बेटा का अपहरण कर लिया था। और अपने बसवासी में लोगों को रंगदारी दो, आलोक चौधरी को, यही सब समस्या है। हमारा फसल भी लूट लिया था, 16/17 को। तो अभी आप कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं? हमारा खेती नहीं हो रहा है, सरकार एक तरफ खेती की क्षतिपूर्ति देता है और आज 3 साल से राष्ट्रद्रोह, मतलब 3 साल से हमको खेती नहीं करने दे रहा, हमारा बाल बच्चा सब भूखे मर रहा है, हम भी पूरे आदमी परेशान है दौड़ते दौड़ते आज 3 साल। तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन मूक दर्शक है, प्रशासन हर जगह से ऑर्डर आता है, DIG का, IG का, DGP का, लेकिन उसी के समर्थन में, उसके चंगुल में है। वो कहता है हम आपका मदद करेंगे तो हम पर को मुद्दालय बना देगा, थाना प्रभारी, मने ईशा मने उसका दबदबा है, जिसके चलते कि हमको कोई मदद नहीं मिल रहा। तो अभी आज क्या कर रहे हैं आप? आमरण अनशन कहाँ पे?
अनुमंडल में, इनको पहले ही कलेक्टर साहब को, एसडीओ साहब को सबको दे करके रसीद हमारे भाई के नाम से कट रहा। क्या नाम है? लिख के दे दिया निरंजन चौधरी, वो लिख के दे दिया सब यही मालिक है, मतलब दोनों भाई सहोदरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लिख के दे दिया अंचल को, एसडीओ को, हर जगह उन लिख के दे दिया, जो भी करता रहता है। लेकिन हम बाहर रहते हैं सब दिन, हम ही करते हैं। तो अजय चौधरी कौन है? अजय चौधरी हमारे गांव के अभी मुखिया पति है, रीता चौधरी के पति, वो दबंग लोग हैं, उनके भाई से सब होना, सब इंस्पेक्टर साहब इसमें लिखिए दिए हैं, मैंने जांच प्रतिवेदन सब इसमें हम लगा दिए हैं, जिसका के अभी तक कोई नहीं हुआ है। फसल जोतने के लिए जाते हैं एसडीओ साहब और थाना प्रभारी के आदेश पर गए, तो वहाँ से हमारे ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ड्राइवर को गाली गलौज करके भगा दिया और हम लोगों के साथ मारपीट किया। कौन? अजय चौधरी, सोनू चौधरी, ललन चौधरी। कहाँ के हैं? सब बीमार से। आप? अंडीटी महा से। कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है अभ्यास से 2 किलोमीटर पूरा। थाना क्षेत्र? थाना गोपालपुर। नवगछिया, छात्र संघ चुनाव को लेकर जेबी कॉलेज में अंग क्रांति सेना की बैठक। अंग क्रांति सेना बिहार संयोजक शिशिर रंजन सिंह के नेतृत्व में बुधवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर जीबी कॉलेज नौगछिया में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता गजाधर भगत महाविद्यालय नौगछिया के कॉलेज अध्यक्ष राहुल कुमार ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंग क्रांति सेना के प्रदेश सदस्य प्रवीण ठाकुर मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से गजाधर भगत महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव प्रभारी के पद पर अर्पित चौधरी को मनोनीत किया गया है। संगठन ने निर्णय लिया है कि कॉलेज के सभी पदों पर संगठन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी।